आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर आसानी से बाजार जैसा मैंगो आइसक्रीम बनाने का तरीका। घर के सामान से बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है और खाने में एकदम बाजार जैसा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 5 पके हुए आम। तो आप लोगों को एकदम मीठा पके हुए आम ले लेना है और उसके बाद पहले इसको हटा लेंगे और उसके बाद ना इस तरह से आधा कट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से जो आम है वो निकल जाता है। उसके बाद इस तरह से कट लगा लेंगे और उसके बाद ना एक चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से इस तरह से सभी आम को निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा जो आम है वो निकल जाता है। तो इसी तरह से सभी आम को निकाल लेंगे और इसका जो छिलका है ना इसको अलग कर लेंगे। तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, इस तरह से आप लोगों को सभी आम को निकाल लेना है एक कटोरी पे और जो छिलका है इसको अलग रख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी आम को निकाल लिया है एक कटोरी पे। तो अभी क्या करेंगे, इसको अभी रख देंगे साइड पे और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्राइंडर जार। तो अभी आम को ना ग्राइंडर जार पे डाल देंगे। तो मैंने जो आम को काट के रखा था ना सभी को डाल देंगे ग्राइंडर जार पे और डालने के बाद उसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे उसी कटोरी से डाल दिया है आधा कटोरी चीनी। अगर आपके आम मीठा कम हो तो आप इसमें एक कटोरी चीनी डाल देना। और अभी इसमें डाल देंगे एक कटोरी मिल्क। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी मिल्क डाल दिया है और आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। अभी जार के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। एक फाइन सा हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो अभी इसको रख देंगे साइड पे और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक केक टिन। आप केक टिन की जगह कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है चारों तरफ ताकि बाद में निकालने में आसानी हो। और अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है एक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को भी इस तरह से रख लेंगे और अभी हमने जो बैटर बना के तैयार किया था वो डाल देंगे सभी को इस तरह से। तो मैंने सभी बैटर को डाल दिया है, उसके बाद इस तरह से थोड़ा सेट कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, मैंने फिर से ले लिया है एक प्लास्टिक और एक प्लास्टिक केक टिन के ऊपर रख लेंगे और उसके बाद रबर से इस तरह से कवर कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कवर हो जाता है। तो अभी इसको क्या करेंगे, फ्रीजर पे कम से कम 7 घंटे या 8 घंटे रखेंगे ताकि हमारा जो आइसक्रीम है वो बनकर तैयार हो। तो अभी 8 घंटा हो चुका है और 8 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे आइसक्रीम को निकाल लिया है। तो अभी चेक कर लेंगे कि आइसक्रीम जमा है या नहीं। तो अभी एक प्लेट ले लेंगे और इस तरह से केक टिन को उल्टा कर लेंगे और इस तरह से डेप डेप करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाता है प्लास्टिक डालने से। तो अभी प्लास्टिक को हटा लेंगे और अभी क्या करेंगे, आइसक्रीम को कट लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक चाकू और चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप अपनी मनचाहे शेप में कट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल इसी तरह से कट लगा लिया है और ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़ा बादाम से डेकोर कर लिया है, देख सकते हैं। तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बादाम से थोड़ा सा डेकोर कर लिया है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो कुछ ही सामान से घर पर आसानी से ये मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।